तो सबका बहुत बहुत स्वागत है बब्लिक। तो गाइस देखो, ये जो गेम है ये पूरा गेम प्ले मैं नहीं दिखा रहा, तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो के बीच में मैंने फिर से एक कोड रखा है, जो कोड अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा नया अपना कोडेक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते गाइस। वीडियो में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे अभी आप तुम पिक्स देखोगे, जिल और मुराड दो पिक है, तो ये दोनों काफ़ी स्क्विशी है, तो उसी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाई प्रॉब्लम हो गया लेट गेम में अगर तुम देखोगे। पर लेट गेम में कुछ ऐसा हुआ जो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, सच्ची बोल रहा हूँ, होश उड़ जाएंगे मेरे बेटे। सो क्या हुआ लेट गेम में, चलो देखते हैं, सीधा जाते हैं लेट गेम में। तो बात करेंगे यहाँ से, तुम मैप में देख सकते हो ऊपर हमारे बंदे गैंग करना चालू कर दिए, जबकि मैं गैंग में था नहीं। अच्छा, इधर मुझे नीचे वैलहाइम मिल गया। अबे साले, अबे भाई, मतलब आई रिस्पेक्ट यू, तुम मार्वल से हो, पर अरे यार जरा देखो, सामने एमएम गॉड है, एमएम गॉड के सामने तुम कैसे एमएम खेल सकते हो। ऊपर यहाँ पे स्कैम हो गया और सामने वाले बंदों ने लिटरली हमारे बंदों को खोल के रख दिया। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे पूरा प्रेशर मेरे पे आ गया कि मैं ना उनके ऊपर रोटेट कर सकता हूँ ना कुछ। मैं यहाँ पे वेट किया, सोचा कि साला हयाते यहाँ पे आ जाए, उसको टेक डाउन करो, बट हयाते बेस में चला गया। मैं बोला भाई अभी तो क्या होगा, टीम की पूरी बैंड बज गई थी, टीम बोली भाई खत्म है, पर अपन को इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे हम लोग फोर जन को तो ईजिली मार लेंगे। बोला तो कुछ इस प्रकार हमने इस गेम को बचाया था। एंड अब मैंने कॉल दिया, भाई सब लोग जाओगे वहाँ पे एंड गेम ख़त्म करना है, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब तुम लोग को आगे तुम्हारा काम करना है। दिस इज़ व्हाई एमएम गॉड है तो है बबड़ी, कितनी बार प्रूफ करे कि हम एमएम गॉड है तो है। काफ़ी ओवर शाइनिंग हूँ मैं, पर जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सूरज है तो है, दोपहर है तो है, माँ किया किया तो वैसे ही ये एम एम गॉड गेम प्ले है तो है, माँ ना देगा वीडियो। सो इसी प्रकार अभी मैंने मेरे टीम को बोला भाई फटाफट जाओ एंड जाके भाई स्लेयर ले लो, और जैसे हम स्पैम करते हैं एम एम गॉड है तो वो हम लोगों ने स्पैम कर लिया यहाँ पे। एंड हमारी टीम गई वहाँ पे स्लेयर लेने, बिकॉज ऑब्वियसली बात है चार बंदे डेड है, यही एक चांस है जिससे तुम कम बैक कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमको एक टिप भी मिल रही है कि भाई जब भी तुम्हारा गेम जाते हुए दिखे, वेट करो अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए, एक एस निकालो या चार पांच बंदों को डाउन करो, चार बंदों को डाउन करो और अपना जो इन्फिनिट स्लेयर है वो ले लो। यहाँ से हम फिर गैंक में घुस गए एंड इस बार मैंने भाई बोला अभी तो हम गैंक में आएंगे बेटा, इतना टाइम से हम गैंक में थे नहीं, तुम हमारे बंदों को पेले जा रहे हो, पेले जा रहे हो, पेले जा रहे हो, बोला इस बार हम गैंक में आएंगे। अब ये जो गलियाँ होती है ना, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज ये गलियों में बहुत ज़्यादा सीसी डैमेज अगर सामने है तो बहुत खतरनाक सीसी डैमेज बैठता है। इसके लिए हम लोग अभी जाने वाले थे, बोला चलो भाई मैं टॉप पुश करता हूँ, तुम सारे मिड पुश कर लो और गेम ख़त्म कर दो, टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। यमराज को मैंने बोला बच्ची तू मेरे साथ रहे बच्ची, बाकी सबको अपन देख लेगा। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं आगे, और देखो गाइस यहाँ पे हम लोग ने बोला पीछे से रोटेट करेंगे, अपनी टीम वहाँ से घुस जाएगी, कुछ इस तरीके का प्लान था। और वो प्लान सच्ची में कामयाब हुआ कुछ हद तक, ज़रूर यहाँ पे प्लान कामयाब हुआ। हमें यहाँ पे अंडे में डालने को लिया जो मोहित गौत है, जो क्या इसका नाम है, क्या इसका नाम है बे, बाल्डूम 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 बबड़ी ने अपने को अल्टीमेट में लिया, बहुत गंदा स्कैम है। पर गाइस जैसा कि तुमको पता है तुम्हारा भाई जोड़, तो यहाँ पे यमराज ने बहुत अच्छा शील्ड लगाया और हम लोग ने यहाँ पे टावर ख़त्म कर लिया। और गाइस यही पे अपना जो गेम है ना गाइस, समझ रहे हो मतलब कहाँ चल रहा था गेम, चार बंदे घुस गए थे मेन टावर में, गेम वहीं ख़त्म था, पर तुम्हारे भाई ने गेम बचाया ना बबड़ी, इज्जत तो दो, ना देखे ना देखे ना देखे बताओ भाई ना देखें। सो इसी हिसाब से हम लोग अभी बोले चलो भाई ये अभी अगला जो वेव आएगा ना मेरी बबड़ी, इस वेव पे हम लोग को ख़त्म करने का ही गेम, ठीक है, ना आगे देखो ना डाए देखो ना पीछे देखो ना बाए देखो, गेम तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने देखा भाई इधर बॉट लेन से अपना स्लेयर पप्पू जो है वो आ चुका है, तो स्लेयर पप्पू के साथ हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। उतने में हम लोग में एक ख़तरनाक हमला होता है और इस ख़तरनाक हमले में हमारे एक दो जन घायल होते, पर हमने बोला भाई घायल हुए तो क्या हुआ, मरेंगे नहीं ना बबड़ी है, आयरी की कैरी निकल दी हमने, और आयरी की कैरी निकल के हम लोग ने उसका लोनचा बनाया, लोनचा पता नहीं होगा तो उसको पिकल बोलते हैं, तो उसका लोनचा बनाया हम लोग ने, और लोनचा बना के हम लोग इधर हयाते को भी पेल दिया, ग्रैक का कतई जहर हो गया यहाँ पे, और पुम बाम मुझे टावर के अंदर फेंका गया। पर तुम्हारा भाई जोड़, तुम्हारा भाई डायरेक्ट टावर तोड़ेगा ना दे क्या बबड़ी, एमएम गॉड है तो है, इन द कमेंट लेट्स गो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं हर रोज़ गाइस ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे लिए नए नए कंटेंट लाऊं एंड हर रोज़ तुम्हारे लिए गाइड वीडियोस भी सारे कैरेक्टर्स के लाऊंगा। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ मार्क्समैन, अ गुड मार्क्समैन, यू कैन सपोर्ट दिस चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।
सो यू विल गेट द अमेजिंग कॉन्टेंट ऑफ मार्क्समैन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. नमस्कार. ये तो पीस आउट रॉयल सा.